अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक अगेन एक न्यू एपिसोड के साथ। इसमें मैं आपको वॉच टाइम के बारे में बताऊंगा कि आपने किस तरह 4 वेज के अंदर अपना वॉच टाइम पूरा कर लेना है। वो 2 उसमें पेड होंगे और 2 फ्री होंगे। तो यार जो फ्री वाला एक जो वेज है वो थोड़ा रिस्की है और उसका तरीका भी मैं आपको बता दूँगा। उसके 2 तरीके उसके अंदर और मज़ीद हैं जिससे आप एक सही वे में अपने वीडियोज़ को शेयर कर वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं। तो यार इसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को अगर नए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें उन लोगों के साथ जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है या आप समझते हैं यार कि इनको भी ये वेज पता लगने चाहिए। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो यार सबसे पहले जो मैं पेड वेज की जो बात कर रहा हूँ वो इसमें सबसे पहले जो है एक वेबसाइट है जिसमें व्यूज़ एड ब्रेक। तो यार ये एक वेबसाइट है व्यूज़ एड ब्रेक जिसको हम पैनल कहते हैं जी, पैनल से वीडियो के जो वॉच टाइम पूरा करते हैं। तो अगर लेट्स सपोज आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं लाइक ये आई थिंक $9 to $12 लगते हैं आपके, तो आपको जो है 30,000 फन के वॉच टाइम आपको पूरा हो जाता है। तो ये जो आप सबको बता रहे होते भी हमें पैनल पता है, या जो लोग वॉच टाइम इस पर तकरीबन 25 से 3,000 रुपये में जो है वॉच टाइम सेल आउट कर रहे हैं अपना मार्केट के अंदर, तो वो अब तकरीबन आप खुद जो है वो 1,000 से 1,500 के अंदर वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं। इवन लोग उससे महंगा भी सेल आउट कर रहे हैं। तो देखें अगर लेट्स सपोज आप 4 से 5,000 रुपये के लाइक्स ले लेते हैं और ऊपर आप अपने तकरीबन 1,500-1,600 रुपये में आप वॉच टाइम ले लेते हैं तो तकरीबन 6,000 रुपये में आपका जो पेज तैयार हो जाता है और आप उसको 8 से 10,000 रुपये में सेल आउट कर सकते हैं। तो यार जितनी आपकी पिक्चर अच्छी होगी ना आप उतना जो है कम और सस्ते आपको लाइक्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो सारी बात होती है आपकी पिक्चर की, जितनी पिक्चर अच्छी उतने कम पैसों के लाइक्स। लोगों को 3,000 रुपये के भी पड़ते हैं, 2,500 रुपये के भी पड़ते हैं, लेकिन आजकल फेसबुक ज़रा डाउन हुआ हुआ है और लाइक्स थोड़े महंगे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इट्स ओके, कोई इतना मसला नहीं है। अगर आपके पास थोड़ी बहुत स्पेंडिंग है तो आप इस तरह एक वीक के अंदर अपना पूरा पेज मोनेटाइज कर सकते हैं वॉच टाइम भी लेकर और साथ में आप लाइक्स भी लेकर। तो लाइक्स का तरीका मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। तो ये तरीका यार मैं आपको ये कॉपी करके दिखाता हूँ और हम इस वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो ये एक वेबसाइट है जिसमें मैंने लॉग इन किया हुआ, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सिंपल आपने यहाँ पर आना है, ऑर्डर्स भी आना है, ऑर्डर्स में आकर आपने क्रिएट एड ब्रेक्स में जाना है। यहाँ पर आपने उस वीडियो का यूआरएल डाल देना जिस वीडियो में आपने वॉच टाइम चाहिए जिस वीडियो का आपको। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर मैंने कॉपी लिंक कर दी है। कॉपी लिंक करने के बाद मैं वापस उधर जाऊँगा और यहाँ पर मैंने ये इस वीडियो का लिंक कॉपी कर दिया। उसके बाद मैंने कुछ भी लिखना, और ये प्रमोशनल कोड है। अभी ये मुझे कह रहा है कि $12 आपको देने पड़ेंगे इस ऑर्डर के लिए, लेकिन अगर मैं ये प्रमोशन कोड लगा दूँ तो मुझे ये $9 के पड़ेंगे। तो मैं ये कोड लिख रहा हूँ तो आप देख रहे हैं ये 0, तो ये मुझे जो है $9 भी पे करने पड़ेंगे। अगर मैं इस पर क्रिएट पे क्लिक कर दूं तो मुझे इससे कह रहा है कि आपको मैक्सिमम जो होंगे वो $9 ही पड़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये तरीका कर रहा था। इस तरह करके आपने सिंपल आना है, अपने यहाँ पर लॉगिन होना है, लॉगिन होने के बाद आपके पास ये पैनल आ जाएगा और यहाँ पर आपने सिर्फ ऑर्डर में जाकर एड ब्रेक को क्लिक कर लेना है तो आप अपना व्यूज़ जो वॉच टाइम है वो 24 के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, सेफ मेथड है और काफ़ी लोग इसे कर कर ही मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं वो यहाँ से ही वॉच टाइम पूरा कर कर आगे लोगों को सेल आउट कर रहे हैं। तो इसमें आप बैंक अकाउंट भी लगा सकते हैं और पेपॉल भी लगा सकते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट आपका वीज़ा होना चाहिए तो उसमें थोड़े से इशूज़ आते हैं। लेकिन अगर आपको कोई रिलेटिव बाहर रहता हो तो उसका आप पेपॉल यूज़ करके या उसको कहकर आप ये वॉच टाइम पूरा करवा सकते हैं अपने पेज से, कोई मुश्किल बात नहीं है। दूसरा पेज मेथड जो है यार मैं आपको वो बता सकता हूँ कि ये जो मैंने अपने पेज पे लिया जिसमें बता चुका हूँ कि मैंने सिर्फ 600 रुपये लगाया है और मुझे तकरीबन काफ़ी ज़्यादा वॉच टाइम मिला इससे, लेकिन अगर मैं थोड़े से और पैसे इसके ऊपर लगाता तो और वॉच टाइम भी मिल जाता, क्योंकि इसमें जो मेरे पेज पर जो ये वीडियो है इस पर शेयरिंग बहुत ज़्यादा हुई है, 253 शेयरिंग हुई है, और अगर जो मैंने वीडियो पर पैसे लगाए तो उस पर वॉच टाइम मुझे इतना मिलना नहीं था, क्योंकि वॉच टाइम ज़्यादा मेरा इसलिए हो गया क्योंकि ये शेयरिंग होगी। अब आपको शेयरिंग का मेथड भी बताऊंगा आगे चलकर कि किस तरह आपने अपनी वीडियो को शेयरिंग कर या क्रॉस पोस्ट कर आप अपने वीडियो के व्यूज़ ले सकते हैं।
तो अब जो है ये मैंने आपको दो पेड मेथड बता दिए, एक बाय बूस्टिंग आप पैसे लगाएं फेसबुक के ऊपर, दूसरा आप ये व्यूज एड ब्रेक्स। लेकिन अगर आपने पेज को मोनेटाइज करना है तो ये बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको व्यूज एड ब्रेक को पैसे देकर आप वॉच टाइम ले लें, कोई ज़रूरत नहीं है इन चक्करों में पड़ने की। हाँ, अगर आपको ये फ्री मेथड चाहिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है आप फ्री मेथड पे आना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वाला मेथड आपको बताऊंगा। अब ग्रुप शेयरिंग क्या होता है? ग्रुप शेयरिंग होता है यार कि आपके पास बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, वो ओपन ग्रुप्स होते हैं, लाइक उसमें आप जो है ना अपनी चीज़ को पोस्ट कर सकते हैं या चीज़ को शेयर आउट कर सकते हैं, आप अपनी वीडियो जो वहाँ पर शेयर कर देते हैं, तो वो शेयर आउट एडमिन से अप्रूवल नहीं लेना होता, जस्ट जो है आपने वीडियो वहाँ पर शेयर करनी होती है। तो इस तरह का बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिन पर आप ओपन होते हैं, जिन पे आप अपनी वीडियो शेयर कर सकते हैं और उनकी रीच बड़ी अच्छी होती है, तो इस तरह करके आप अपनी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की मेथड है, इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपकी वीडियो को फेसबुक जो है ना डीमोनेटाइज कर दे, या कोई भी आपको स्ट्राइक लगा कर या कोई भी आप पर पाबंदी लगा कर आपको रोक सकता है, तो ये थोड़ा सा सेफ मेथड नहीं है। लेकिन लोग फिर भी काम करते हैं इस पर, और काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि ये इस काम से पैसे भी कमा रहे हैं। एक तो ये तरीका हो गया कि आपने अपने ग्रुप्स पे दूसरों के ग्रुप्स पे अपनी वीडियोस को शेयर करना है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये होता है, लेट्स सपोज ये मेरे पास वीडियो है, मैं जाता हूँ यहाँ से शेयर पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, शेयर पे ऑप्शन जाकर ये मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि शेयर टू ग्रुप, ठीक है। अब मेरे यहाँ पर जो ग्रुप्स होंगे मैं उन पर शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। अब सर्च ग्रुप, लेट्स सपोज जो मैंने ग्रुप्स लाइक किए होंगे वो वाले, या फिर कोई और ग्रुप्स मेरे पास जो होंगे मैं उनको भी शेयर आउट कर सकता हूँ ये वीडियो, ठीक है। देन आपके पास एक और तरीका है, अपने ही पेज, लेट्स सपोज आपका एक पेज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा पेज है, लाइक जिसमें 1 मिलियन है या 500K फॉलोअर्स है, तो आप उस पर भी अपनी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, शेयर टू पेज पे जाएंगे और यहाँ पर जो भी वीडियो आपके जो बाकी पेज है उस पर किसी पर भी जो अगर अच्छा रीच है उस पर या अच्छे फॉलोअर्स है या अच्छी इंगेजमेंट है, आप उस पर अपनी वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये शेयरिंग का हो गया, जो फ्री मेथड है। देन आईडी शेयरिंग से ये होता है कि एक आप आईडीज़ बाय करते हो किसी बंदे से, ठीक है, आपने क्या करना होता है उन सब आईडीज़ को ना मुख्तलिफ ब्राउजर्स पे खोल लेते हो। मैं अब आपको बताता हूँ किस तरह आपने ओपन करना है। लेट्स सपोज ये मेरी मेन आईडी और ये वाली वीडियो मैं कहता हूँ मैं शेयर करूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैंने ऐड पे क्लिक करना, जिसमें मैंने ये तीन अकाउंट बना लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं जाऊँगा ऐड करूँगा, ऐड पर जाकर यहाँ पर मैंने लिखना है और यहाँ पर मैं फोर्थ बना रहा हूँ अकाउंट आपको दिखाने के लिए। लेट्स सपोज मेरी फोर्थ आईडी मैं यहाँ पर ओपन करने जा रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ। तो आपने गेटिंग स्टार्टेड करना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करना है, नेक्स्ट एंड यहाँ पर इसको अगर आप तो डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं तो ब्राउज़र को क्रोम को तो ठीक है, नहीं तो उसको स्किप कर दें। और अगर आप अब यहाँ पर आता है कि आपसे वो आईडी मांगेगा, अब आपके पास जो आईडी होगी फेसबुक की जो बाय करेंगे गूगल अकाउंट के साथ बाय करनी है आपने, ठीक है। उससे ये होता है कि अगर कोई फेसबुक की आईडी चोरी कर लेता है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। आपने क्या करना है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाली आईडीज लेनी है फेसबुक वाली, उनके साथ जीमेल भी मिलेगी। यहाँ पर आपने जीमेल को लिखना है और जीमेल को लिखने के बाद आपने उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने भी अपना जो एक अकाउंट खोला हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाली आईडी मेरी दूसरी है जिस पर मैंने ये ओपन कर लिया है अपने फेसबुक का अकाउंट। अब फेसबुक अकाउंट खोलने के बाद मैं अपने जो पेज है, मैंने लेट्स सपोज मैंने इस पेज पर वीडियो, इस पेज की वीडियो मैंने शेयर करनी थी, तो मैं क्या करूँगा, इस पेज को मैं लाइक किया हुआ फॉलो किया हुआ और यहाँ पर आऊँगा, लेट्स सपोज ये वाली वीडियो है तो मैं यहाँ पर शेयर पे जाऊँगा और अब मैं अपनी दूसरी आईडी के जरिए इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। एक तो मेरी पहले अपनी पर्सनल आईडी थी वो, और ये दूसरी आईडी है। इस तरह अब इस तरह करके मैं इसको एक तो अपनी पब्लिक, मेरे लेट्स ज़्यादा फ्रेंड्स हैं तो वहाँ पर भी शेयर कर सकता हूँ, वहाँ से भी लोग इसको देखेंगे, और यहाँ पर मोर ऑप्शन में जाकर आप यहाँ से भी इसको ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं या शेयर टू पेज कर सकते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि जब आप एक ही आईपी से बार बार मुख्तलिफ आईडीज़ खोल लेंगे तो फेसबुक के पास ये बात जाएगी यार कि ये एक बंदा एक ही आईपी से डिफरेंट आईडीज़ को ओपन कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा रिस्की मेथड है कि फेसबुक में भी पकड़ ले में भी ना भी पकड़े, तो ये थोड़ा सा रिस्की मेथड होता है। लेकिन इसके लिए हम दूसरी आईडीज़ तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमारी आईपी एक ही, जो इंटरनेट हमारे पास है वो एक ही है। तो लेट्स सपोज अगर आपका मोबाइल है, कोई मुख्तलिफ डिवाइसेज हैं, आप उनसे ये काम कर सकते हैं। और लोग इसी तरह यूट्यूब से भी यही तरीके कर जो है ये वॉच टाइम हासिल कर रहे हैं, तो उसकी वीडियो हम बाद में बनाएंगे। YouTube पे किस तरह वॉच टाइम लेते हैं लोग और उस पर सक्सेसफुली लोग ले रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो अब ये जो है अपने इस पे लड़ पर मेरे इस आईडी के ऊपर अगर मेरे पास पेजेस बने होते तो मैं यहाँ पर भी शेयर कर सकता हूँ, ग्रुप में भी शेयर कर सकता हूँ, किसी फ्रेंड की प्रोफाइल के ऊपर भी शेयर कर सकता हूँ और अपनी न्यूज़ फीड के ऊपर भी मैं ये शेयर कर सकता हूँ, ठीक है।
तो इसके लिए ये तरीके हैं जो अपनी आईडीज़ को आपने ले लेना है और आईडीज़ को हर ब्राउज़र पे ओपन कर उनको सेव कर लेना, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये वीडियो मैंने अपने यहाँ पे खोली, अब मैं क्या करूँगा कंट्रोल एस दबाऊँगा, CTRL प्लस एस करूँगा, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा पेज का नेम, ठीक है, वन, तो मैं इसको सेव कर लूँगा। अब लेट्स सपोज जब ये मैं सेव कर लूँगा, अब ये देखिए सारी मेरे पास जो है ना ये सेव है। अब मुझे पता है कि लेट्स सपोज अगर मैंने एक वीडियो है मैंने वो अपलोड की एक पेज के ऊपर, तो वो पेज मेरे 10 की 10 आईडियो से वो पेज मेरा लाइक हुआ हुआ है, ठीक है। मैं क्या करूँगा इसको जस्ट ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद वो यूँ मेरे पास पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन कर मैं इसको सिंपल शेयर कर दूँगा अपने पेजेस के ऊपर या अपने मेरे पास जो ग्रुप्स हैं वो मैंने इस आईडी से लाइक किए होंगे। तो थोड़ा सा मेहनत वाला काम है लेकिन लोग जो है इससे काम कर रहे हैं, और जो लोग कहते थे कि 5 से 10 आईडीज़ आपके पास ऐसी होनी चाहिए या मिनिमम 5 तो होनी चाहिए जहाँ से आप डेली जो है शेयरिंग कर सके, और ग्रुप्स जो होंगे वो ग्रुप्स की लिस्ट अक्सर लोगों के पास होती है, मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा ग्रुप की लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है। उससे हो गया कि आप लेट्स सपोज हर एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, और लेट जब भी आप एक वीडियो अपलोड करेंगे अपनी किसी भी पेज के ऊपर तो आप अब डिफरेंट आईडी से उन ग्रुप के ऊपर शेयर कर सकते हैं। तो इसका यह फ़ायदा होगा यूँ आपको जो है रीच मिलेगी, और ऐसा ऐसा आपकी वीडियो सिर्फ आप ही शेयर नहीं करेंगे बल्कि बाकी लोग भी शेयर करना शुरू कर देंगे। तो ये जो हो गया एक तीसरा तरीका कि भाई जो फ्री वेज है, पहले दो मैंने आपको पेड बताए, और तीसरा जो है ये फ्री वेज है आईडीज़ के ज़रिए किस तरह आप शेयरिंग कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका प्रॉपर बता दिया। उसके बाद वॉच पार्टी, वॉच पार्टी से मुराद ये होता है यार कि लेट्स सपोज एक ये वाली वीडियो है मेरी, आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आया और यहाँ पर क्रिएट पोस्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, इन पर क्लिक करना तो वॉच पार्टी आ जाएगा। अब वॉच पार्टी में जो मैंने देखी हुई ये वो वाली वीडियोज़ है, उसके बाद जो है ये सेव्ड वीडियोज़ है, और ये जो पेज की वीडियोज़ है वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। लेट्स सपोज मैंने इस पेज की वीडियोज़ को वॉच पार्टी में लगाना था, इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और नेक्स्ट कर लूँगा, ठीक है। अब ये पहले वो तारिक अज़ीज़ वाली वीडियो वो भी लगा सकता हूँ मैं, और दो वीडियोस और भी लगा सकते हो, तो मैं इनको पोस्ट जब करूँगा तो ये क्या है ये वीडियो चलने शुरू हो जाएंगे। अब इससे ये क्या होगा कि ये मेरी प्रोफाइल के ऊपर भी वीडियो चलेंगी, ठीक है। उसके बाद जो है अब ये देखिए वॉच पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, अब देखे लिखा है अमेजिंग लाइफ गैजेट इज़ होस्टिंग अ वॉच पार्टी, ठीक है। तो अब ये वॉच पार्टी चल रही है और आप किसी को भी ये शेयर कर सकते हैं, किसी को भी आप अपने साथ मिला सकते हैं। लेट्स सपोज अब ये देखिए मैं लेट्स सपोज इस पेज पे कोई शेयर करना चाहूँगा तो मैं इस पेज पे भी शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको ये मुख्तलिफ में ऑप्शन नज़र आ रहे हैं और ये इसको हम आस्ता आस्ता अपने मुख्तलिफ डिफरेंट पेजेस पे भी शेयर आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको पोस्ट को डिलीट कर रहा हूँ, इसे दिखाने के लिए मैं आपके लिए कर रहा था। इस तरह करके आप मुख्तलिफ किस्म की, देखिए मुझे एक 1 व्यूज़ मिलना शुरू हो गया था तो मैंने इतनी देर में उसको बंद कर दिया। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अपने प्रोफाइल के जरिए आप इस तरह वॉच पार्टी कर सकते हैं, आप अपने ग्रुप्स की वीडियोस को वॉच पार्टी कर सकते हैं, अपने पेज की वीडियोस को वॉच पार्टी कर सकते हैं। तो यार ये तरीके जो आपको बता चुका हूँ, एक दो पेड बताए हैं, दो फ्री बता चुका हूँ, लास्ट जो मेथड है वो ये वाला है। अगर आप में से कोई ब्लॉगिंग करता है या ब्लॉगिंग का शौक है या उसको ब्लॉगिंग की अंडरस्टैंडिंग है तो वो अपनी फेसबुक की वीडियो ब्लॉगिंग पर लगा कर भी वहाँ से भी वॉच टाइम ले सकता है। तो वो किस तरह लेगा मैं बताता हूँ आपको, आपने क्या करना है लेट्स सपोज ये है और यहाँ पर आपको ऑप्शन एक मिलेगा एम्बेड का, देखिए ये ऑप्शन एम्बेड का मिल रहा है आपको। आपने ये जो कोड होगा यहाँ पर ये कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद जो आपकी ब्लॉगिंग की साइट होगी ना आपने वहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देना है। अगर आपको ब्लॉगिंग आती हुई तो वहाँ से आप इसको ईजिली जो है एम्बेड कर सकते हैं अपनी वीडियो को, वहाँ पर जो भी बंदा आएगा लेट्स सपोज ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ पर, लोग वहाँ से वीडियो देखेंगे तो वॉच टाइम आपका यहाँ पर कंसिडर होगा फेसबुक के अंदर। तो यार ये सिंपल सी वीडियो मैंने आपको बताई है, एक बिल्कुल आसान वेज मैंने आपको बताया है, फ्री भी और पेड भी, जिसके ज़रिए आप जो है अपना वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्री की बात करें तो वो आपको मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा प्रॉपर। और एक और तरीका भी है कि लेट्स सपोज आप अपने दोस्तों को जमा करें, जो आपके तकरीबन 10 से 15 दोस्त हों, तो उनकी अगर लेट्स सपोज आईडी है वो अपने अपने घर में बैठे होंगे, लेट्स सपोज एक ऑफिस में बैठा होगा, एक घर में बैठा होगा, तो आप उनसे क्रॉस पोस्टिंग भी करवा सकते हैं यार कि यार मेरी ये वीडियो में जब शेयर किया करूँ तो एटलीस्ट इसको आप डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कर दिया करो। उससे ये होगा कि एक तो उनकी आईपी डिफरेंट होगी, फेसबुक को इतना डिटेक्शन नहीं होगी, उनकी लोकेशन डिफरेंट होगी, थर्ड बात ये है कि उनकी आईडीज भी डिफरेंट है, ठीक है, एक आईपी से वो कनेक्टेड नहीं है, ओपन नहीं हो रही। तो ये होगा कि ये मेथड जो है रिस्की थोड़ा सा सेफ हो जाएगा, अगर आप इस तरह भी करवा सकते हैं अपने दोस्तों के ज़रिए कि यार ग्रुप शेयरिंग कर दो विद जो आपके दोस्त है डिफरेंट, उनसी आईडी से आप अपने इस वीडियो को शेयर करवा सकते हैं। तो यार ये थे मेथड जो मैं आपको बता चुका हूँ सारे के सारे, क्योंकि ये ज़रा वीडियो देखकर
बनाई है, मैंने प्रॉपर इसमें रिसर्च की है और प्रॉपर देखने के बाद जो मेरा जो 3 लेजिट वेज है ना मैंने आपको बताए हैं। तो यार आप इस पर वर्क ज़रूर कीजिएगा और वर्क करने के बाद मुझे बताइएगा। जिस तरह मैंने एक लास्ट में एक मुझे इनबॉक्स में मैसेज आया कि एक बच्चे ने जो उसने ये काम किया और उसके जो 10th के फॉलोवर्स वो पूरे हो चुके, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग अब इस पर इम्प्लीमेंट काम करना भी शुरू कर रहे हैं आस्ता आस्ता, और उसका पेज जो है अब इंशाल्लाह इसकी वीडियो के बाद जो ग्रीन हो जाएगा। मुझे काफ़ी लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, उनके पेजेस हैं लेकिन उनको पता ही नहीं था यार कि किस तरह आप जो है ना एक पेज को मोनेटाइज करके पैसे कमा सकते हैं। अब उनकी पेज की रीच भी अच्छी है लेकिन उनको पता ही नहीं था, फिर मैंने उनको बताया सारे सिस्टम तो वो उनको समझ आ गई। तो अब ये जो है वीडियो वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करते हैं मैंने कंप्लीट A to Z बता दिया आपको, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।